कभी इस नक्शे को देखा है? 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती थी। क्या होगा अगर सभी महाद्वीप फिर से एक विशाल लैंडमास में जुड़ जाएं और आप नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका तक पैदल यात्रा कर सकें? कौन सा देश आपका नया पड़ोसी बनेगा? क्या इससे पूरे ग्रह पर प्राकृतिक आपदा आएगी? दिस इज मॉक्सविन वर्ल्ड एंड व्हाट वुड बी हैपन इफ द कॉन्टिनेंट्स मर्ज्ड टुगेदर। क्या आप जानते हैं कि आपके नीचे की जमीन वास्तव में इस समय चल रही है, क्योंकि ये सभी 7 महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेटों पर बैठे हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी की क्रस्ट टूट गई हो। ये प्लेट्स पिघली हुई चट्टानों पर तैर रहे हैं और इनके तैरने की स्पीड आपके फिंगरनेल्स के ग्रो होने की स्पीड के समान है, लेकिन यह 100 लाख वर्षों में जोड़ता है पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष के इतिहास में। हमारे महाद्वीपों ने कई बार अपना रूप बदला है, कभी कभी कोलाइजन में फ्यूजिंग और कभी कभी टूटते हुए। अभी वे धीरे धीरे कोलाइजन अर्थात टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर वे एक दिन अचानक से सुपर महाद्वीप में बदल जाए? क्या आप खुद को भारतीय सीमा पर खोजने के लिए जगेंगे कि दुनिया आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों से बहुत अलग है? अगर प्लेटें उस दिशा में टकराती हैं जिसमें वे चल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया टू एशिया के लिए फ्लाइट कभी भी सस्ती नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जापान कोरिया और चाइना से टकराएगा, इसलिए दोनों महाद्वीप अटलांटिक ओशियन से अलग नहीं होंगे। और यदि आप वास्तव में पैदल चल रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया से दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका तक पैदल यात्रा कर पाएंगे। अफ्रीका का उत्तरी भाग यूरोप से क्रैश हो जाएगा, जिससे टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर एक नई हिमालय पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। सोचो कि रेगिस्तान का जहाज कर जाने वाला ऊंट एक बर्फ की पहाड़ी पर एक चिली डे का आनंद ले रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपको मजेदार लग सकते हैं, लेकिन कुछ बुरी खबरें भी होंगी। पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के साथ अमेरिका का पूर्वी भाग भूकंप के डेंजर जोन में बदल जाएगा। इनके टॉप पर ये क्षेत्र नए बने ज्वालामुखी के विस्फोट से तबाह हो जाएंगे। एप्लेसियंस की हरी ढाल राख और लावा के साथ विशाल बर्फ से ढके पहाड़ बन जाएंगे। यह नया पेंजिया ज़्यादातर शुष्क और गर्म होगा, क्योंकि बारिश के बादल जमीन से दूर जाने से पहले ही नमी खो देंगे। सुपर महाद्वीप भूमध्य रेखा पर केंद्रित होगा। वन्य जीव कम डाइवर्सिव बनेंगे, क्योंकि सभी प्रजातियां गर्म तापमान को सहन नहीं कर सकती हैं। लेकिन अभी हाल के महाद्वीपी मेसअप की तरह यह रीयूनियन हमेशा के लिए नहीं चलेगा। 50 मिलियन साल से अधिक नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में लावा और गैस निकलेगी, और यदि हम समीकरण में विनाशकारी भूकंप को जोड़ें तो आप देखेंगे कि ये खतरनाक क्षेत्र खुद को अलग करना शुरू कर देंगे। धरती के नीचे की गर्म धारा के हलचल से सुपर महाद्वीप आखिरकार छोटे महाद्वीपों में अलग हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की सीमा आपको अच्छी लगती है, आप जल्द ही किसी भी समय ऐसा होते नहीं देखेंगे, लेकिन आप ये हमेशा इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया कैसी लगेगी अगर पजल के समान ये 7 महाद्वीपीय टुकड़े एक साथ जुड़ जाए। ग्रह को आप 30 करोड़ साल दें ताकि एक और सुपर कॉन्टिनेंट अर्थात एक सुपर महाद्वीप बन सके। जियोलॉजिस्ट अर्थात भूवैज्ञानिकों ने इसके लिए पहले ही एक नाम दे चुके हैं, और वो है पेंजिया अल्टिमा। आप इसे क्या नाम देंगे? ऐसे ही अमेजिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा या हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियोस में जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।